डुब चिकड़ाक चिक डुब चिकड़ाक चिक डुब चिकड़ाक चिक आ बुआ। अच्छा एक शो ना दो बार मेरे मुंह से थूकना नहीं। सलीम भाई ठीक ठाक नहीं करने दें आप लोग लगे रहे। सलीम भाई क्यों इतने दुखी रहते हैं आप? तो अभी देखें एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ए इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, और वो तो मुस्कुराते चेहरे ने रखा बरम हमारा बरम, वो देखने आया था कि किस हाल में हमें, आपका ये कप्तान हमें किस हाल में ले आया। आपको पता है आप तो नाजरीन ये वो शख्स है जो रिवर्स गियर लग गया है, यानी कि एज भी पीछे जा रही है, नौजवान हो रहा है, पतला हो रहा है, कपड़े भी पेट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं हमें तो अंदाजा नहीं, हमारा तो बेड़ा गर्क है। देखे इनको देखे वो देखे हंस रहे हैं। तो हंसना मना है? नहीं हंसे जनाब, हमारी हालत पे हंसे, हमारी कस्मा पुरसी पे हंसे। What a great performer you are, sir. ये बताइए कि भाभी जी वापस आ गई है? नहीं जी नहीं, कहाँ से? ले जी। बड़ा मनाने की कोशिश की थी, आंधी भी नहीं। मैं अगर मनाऊं तो आ जाए शायद। मैंने तो बना बना के थक गया हूँ, मैं तो बीवी एक मिनट थोड़ी मेहरबानी खान साहब, तुसी नहीं मैं मना लांगा आपे। मनाने दो उन्हें, मना यार बीवी मेरी उन्हें मनाने दो। एक दफा बस एक आखिर भाभी जी बीवी नंबर वन बीवी बीवी नंबर वन बीवी नंबर वन बीवी। यार इन्होंने बीवी मेरी अधी डांसर कर दी थी। पुतक भाई आप अगर मुझे इजाजत दे, पुतक भाई ये की है? पुतक भाई आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं भाभी को मना सकता हूँ। हाँ जी भाभी जान आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप खुदा का वास्ता है कि आ जाए, आपकी गैर मौजूदगी मुल्क में एक जंजाल बरपा करके रखे हुए हैं। मुल्क में महंगाई कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल किधर चला गया है किसी को भी नहीं पता, आपका आना इतना ही ज़रूरी है जैसे हम सब सांस लेते हैं। आप होंगे तो मुल्क की तरक्की का पहिया दोबारा चलना शुरू होगा। आप जिस दिन से प्लेटलेट्स का बहाना करके गई थी उसके बाद हालात दुगरगु हैं। दिगर दिगर मेरा दिगर है ना, आपका तो नहीं है, गु है या घी है जो दिगर गु दिगर गु है दिगर गु। प्लेटलेट्स वो भाई साहब हैं, आप जेंडर चेंज कर रहे हैं तो साहब परजाई मियां साहब। बाबी जान जल्दी से आ जाए, खान भी वही हरकतें कर रहा है जो आप किया करती थी। वो क्या हरकतें थी? अपने पैरों पे खुद ईंट मारना। खान वही कर रहा है जाहिर है, आपको नजर नहीं आता है। बाबी जान एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भरपूर जलसा आप ऑनलाइन करें। इस दफा मैं और आपके बहुत सारे चाहने वाले कोशिश करेंगे कि आपकी तकरीर को कोई माइक हलाल बीच में से ना काटे। भाभी जी भाभी जी वापस आइए, पूरा पाकिस्तान आपका वेट कर रहा है, वापस आके आपने बनी ट्रेल भी देना है भाभी जी, डैम भी आपका इंतजार कर रहा है भाभी जी। नीदे उन्हें आना ना वो भी ना हसी। अच्छा जनाब सवालों जवाब वाला सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है पहली गल मेरे ना ना हुई तो मेरे तो बुरा कोई नहीं, पहले इधर से शुरू करते हैं। मेरी गल सुन कदी ते मेरी मन की हो गया मैं। चलो पहली बात हम इनसे शुरू कर रहे हैं। वाह जी भैया आप अपना तस्मा बांध लीजिए वरना आप गिरेंगे। ओए ये दूसरा पैर दूसरा। ये बात थी जो क्या था या तो जिसके हैं उसको वापस कर दो और पूरी जिंदगी में कोशिश करो मेरी तरफ देखो। यार मैं कन्ना ना सुनना कि अखा ना सुनना, मेरी तरफ देखो तस्मा ना बनना। अच्छा जिंदगी में ना अपनी चीजें तस्मे वगैरह बांध के रखा करो वरना औंधे गिरोगे। खाली है किसी और दा है। यार भाई हाँ जी बिस्मिल्लाह। इन बड़े साफियों में बैठ के कैसा फील कर रहे हो? एक तो बड़ा लगता है, सिर्फ मुंह ही बड़ा है, लेकिन मैं तेरी उसके गई है मनार नहीं सकता। अरे साथ बहुत बड़ा साफी बैठा है और ये तो साफियों का तो रोनाल्डो है। अरे क्या कह रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बुरा वाह वाह। उठे करना सी बुरा उरे कीता है वो थोड़ा सा बुरा निकल गया। हमें को दुआ दियो बादशाह मैं भी तो हाथ चूमा। अच्छा तुम्हारा फोन आधा बाहर है और फुदक के हाथ के बिल्कुल करीब है। बहुत मैं चोर हूं प्लीज फोन अपने को रखना, सारे बड़े बड़े एंकर ने बल्कि तू ही तू बाहर चौकीदार नु फड़ाया। दे दे मुझे दे दे। अच्छा बैठ जाओ और जेब में डाल लो। खुदक साहब हां जी आपका पसंदीदा खाना क्या है? कुन्ना जड़ा ना बड़ा शौक नाल कुन्ना बुढ़ी तेरी घर नहीं सड़या फे कुन्ने खाई है। अच्छा फुदक मैंने हजारों कॉन्फ्रेंस देखी है साफियों की, आपको नहीं कभी देखा उधर? यार मैं साल मुराद वाले हूं तेन पता नहीं, उधर जाके पूछ किसी नु खुदक साहब किथे रहंदे ने। जे फे भी ना समझ आवे फे पूछे जलेबियां वाला किथे रहंदा।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੇਬੂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਹ ਪੁੱਤਰ ਜਲੇਬੂ ਕੱਢਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਜੀ ਆਪਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਜੀ ਆਪਨੇ आप तब भी मुझे एक बात बताएं आपके इतने बड़े शो में इसकी अच्छा, क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी दोनों में से किसकी पूछ रहे हैं आप क्योंकि दोनों की नहीं है यार बुलांदा क्यों इंसान फिर मैं कब बुलाता हूं आपको यार तो फोन आंदा तेरा बंदा फोन करता है ओ मैं नहीं बुलाता बिलाल बुलाता है नहीं नहीं फियाज वो तो फियाज मेन नहीं है मेन बिलाल है वो किचन का इंचार्ज है साडे लिए ही मेन है असि रोटी ते ही आने असि गल पहले नहीं तुम्हारे को तुम्हें रोटी देता है वो माशाल्लाह वो साडे दंद है नहीं बंदा बैठा अखबार ही पढ़ी जा रहा ना तू दुआ कर अब तब भी इसको समझाए मुझे गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर जुगत नहीं करो करते ऐसी जुगत कर सकते तुसी वड्डी दुनिया हो कब जुगत की आप पे अभी इसने बोला वो बागी से बात कर रहा है नहीं अब तभी मेरे से बड़ा बागी कौन हो सकता है ओ एड़ा सामने बैठा हो बहुत वड्डा बागी हो जी एड़ा वड्डा बागी हो ये जा गुस्से जा के अपना मीटर लुआ देता हूं पहली बारी आज उन अखिया दे तकिया ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਆ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੂ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੱਖ ਮੁਸ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁਦਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪੁਹਾਰਾ ਰੰਗੀਲੇ ਜੀ ਹੋਰ ਰੰਗੀਲੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਹੋਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਵਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਬਰੂਸ ਲੀ ਟਾਈਪ ਉਹ ਪੰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ आपको पता है धुंध जो पड़ रही है इसमें किसका नुकसान हो रहा है यकीन कीजिए साफी साहब नवाज शरीफ के दौर में धुंध ज्यादा पड़ती थी लेकिन आपके मुंह उस वक्त बंद थे आज जो है वो आप यहाँ पे बैठकर मशवरे दे रहे हैं इंतहाई अफसोस की बात है अफसोस की बात तो आप पे मुझे अफसोस होता है आप तब भी किस तरह की जाहिलाना बात कर रहे हैं नवाब शरीफ के दौर में जो धुंध जो है वो नजर आ ही नहीं रही थी ये तो आपके जो खान साहब आए हैं इसके हुकूमत में जो है बेड़ा गर्क हुआ है नाजरीन पोल्यूशन का कहां पर ग्राफ चला गया है लेकिन इससे हुकूमत को कोई सरोकार ना लेना देना है क्योंकि हुकूमत को तो इसका ख्याल ही नहीं है हुकूमत चाहती है कि वो सिर्फ अपना काम करे और अब तब ये लोग नाज़रीन देखा आपने कि हक सच बात करने की आवाज को दबाया जाता है लेकिन ये वो आवाज है कि जिसको जितना दबाएंगे उतना उभरेगी नाज़रीन बात करने का मकसद ये है मेरा कैमरा आपने नहीं रोक रहा है मेरा केस से आगे आपको मैं बोल दे आगे आ जाएं यार आप मेरा रोक ले मेरा रोक नहीं आप रोकें मैं तो इनकी बात कर रहा हूं ये गलत सरासर गलत खबरें दे रहे हैं अपने मनपसंद लोगों को नहीं नहीं यकीन है आवाम बच्चे नहीं है साफी साहब आवाम को सब पता है कि कौन गलत खबरें दे रहा है चलो भागो इधर से अरे 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 ये फिर से वही जा रहा है मामला आप तब ये क्या है अब बोलो दिखाए नाज़रीन देख रही हैं आप कितना गलत हो रहे अब बोले बोल के दिखाए तो बस करे उससे नहीं बोला जा रहा असली वेले बैठे हैं नाज़रीन चिसंग दत्ता सुकूरी था क्या माते निवले था मुझे पकड़ के रखा है इसने असल में मेरा लॉक लग गया खुल नहीं रहा मुझसे अच्छा अच्छा उधर कर हटमा उधर अल्लाह की कसम ने गाल कटी